सरोकार। असदुद्दीन ओवैसी पर गिरिराज सिंह का पलटवार, बोले ओबीसी देश में आतंकवादी पैदा कर रहे हैं, ओवैसी जब भी बोलते हैं जहर उगलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर लगाया आरोप, बोले हमारे एमएलए की चोरी ना हो इसलिए उनका ज्यादा स्टॉक रखना होगा। कर्नाटक चुनाव में अमित शाह भाजपा की जीत को लेकर आश्वस्त, बोले ओबीसी का अपमान करके पीड़ित ना बने राहुल गांधी। निकाय चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम शिवराज की दिखी दरिया दिली, एक्सीडेंट देखने के बाद सीएम ने रोका काफिला, घायलों को भिजवाया अस्पताल। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान असमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। रुख करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज में एक राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। दरअसल बीजेपी की राजनीति में बड़े फेरबदल के संकेत दिख रहे हैं। मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी को साइडलाइन कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर नंदगोपाल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले को बीजेपी की ओर से ज्वाइन कराया गया है। सपा प्रत्याशी रहे रईश चंद्र शुक्ला बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जी हां, रईश चंद्र को केशव मौर्य ने प्रयागराज में भाजपा ज्वाइन कराई है, जिसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की राजनीति में प्रयागराज में एक बड़ा फेरबदल देखा जा सकता है। वहीं भाजपा से बीते साल मेयर प्रत्याशी रही नंदगोपाल गुप्ता की पत्नी मेयर पद की प्रत्याशी थी और उन्होंने जीत भी दर्ज की थी। वहीं अब अभिलाषा का टिकट भी काटा जा चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी निकाय चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। इस दौरान वो सहारनपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करने का ऐलान भी कर चुके हैं। महाराज सिंह डिग्री कॉलेज के मैदान में वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए तैयारियां भी पूरी की जा चुकी है। इस बार भाजपा ने 17 नगर निगम पर अपने मेयर पद के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है और वहीं भाजपा ने सभी मेयर पद पर अपनी जीत की दावेदारी भी कर रखी है। के लिए भाजपा भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर से निकाय चुनाव से पहले अपनी पहली जनसभा सहारनपुर में करेंगे। इस दौरान वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। वहीं जनता का समर्थन भी मांगते हुए सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे। वहीं 2017 के चुनावी कार्यक्रमों की शुरुआत भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर से की थी और पसमांदा सम्मेलन की शुरुआत भी सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर से करते हुए नजर आए थे। तो वही अब नगर निकाय चुनाव की भी जो शुरुआत है और जो रैली की शुरुआत है वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर से करेंगे। इस दौरान वो विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अपने प्रत्याशी के पक्ष में जनता का समर्थन मांगते हुए दिखाई देंगे। एक राजनेता के रूप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अलग ख्याति है। उनकी संवेदनशीलता की अक्सर चर्चा होती है। दरअसल भोपाल में वीआईपी रोड पर एक एक्सीडेंट के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद अपने गाड़ी से घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उन सभी का इलाज किया जा रहा है। तो वहीं ये तस्वीरें कहीं ना कहीं लोगों के बीच अब काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि बतौर सीएम शिवराज सिंह चौहान की एक अलग ही ख्याति है। उन्होंने लोगों के बीच एक अलग ही पहचान बनाई है। गाड़ी में कौन था?
तो उनका काफिला तत्काल प्रभाव से वहीं पर रुकता है और सभी घायलों को उनके द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वही वीडियो में शिवराज सिंह चौहान को यह कहते हुए भी सुना जा सकता है कि आपको चोट लगी है, वो घायल युवक को शुभकामनाएं देते हैं और अधिकारियों को घायलों के पास के किसी भी अस्पताल में पहुंचाने के निर्देश भी इन तस्वीरों में देते हुए दिखाई दिए। इनको कोई पहुंचाने की आगे सर एम्बुलेंस एक गाड़ी में पहुंचा दीजिए सर। जी जी घायलों के पास पहुंचते हैं, उनसे हाल चाल जानते हैं और वहीं अधिकारियों को तत्काल प्रभाव पर यह निर्देश देते हैं कि घायलों को पास के किसी अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया जाए और वहीं वो जो घायल युवा हैं उनको आशीर्वाद भी देते हुए नजर आए हैं कि वो सकुशल रहे। खबर फरीदाबाद से है जहां भगवान परशुराम जयंती को राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र शर्मा बबली ने बड़ी धूमधाम से मनाया और इसको लेकर पूरे शहर में शोभा यात्रा भी निकाली गई। बता दें कि हिंदू धर्म में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ वैशाख मास के तृतीय तिथि के दिन मनाया जाता है। इस विशेष दिन भगवान विष्णु के छठे स्वरूप भगवान परशुराम की उपासना भी की जाती है। आप सभी को भगवान परशुराम जी जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी तरफ से समस्त अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा की तरफ से इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की कृपा सभी पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, हमारा राष्ट्र उन्नति करे, विश्व में हमारा नाम हो। और आज कुलैना गाँव में भव्य आयोजन किया गया, उसमें समाज भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो पूरी गाँव की सरदारी का मैं हृदय आभार व्यक्त करता हूँ और सभी को पुनः भगवान परशुराम जी जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम। औरैया में तिलक महाविद्यालय के 8 बैंक खाते कुर्क कर दिए गए। वही महाविद्यालय के कर्मचारी अशोक वाजपेयी के बकाया भुगतान को नहीं करने पर सहायक ने 8 RCB जारी की थी। स्टे की अवधि खत्म होने के बाद भी बकाया धनराशि को जमा नहीं किया गया, जिस पर SDM मनोज कुमार सिंह ने मार्च 2023 में धनराशि जमा करने का नोटिस भी जारी किया था। न्यायालय के न्यायालय से वेतन बहाल कर दो 2001 में, बाकी बाद में वेतन इनने आज तक नहीं दो, फिर दोबारा सर्व न्यायालय के सर्व न्यायालय ने आदेश कर दो संपूर्ण वेतन नहीं आपको, ना इनने लाभ दे ना वेतन दे, आज बंधुआ मजदूर वालों वेतन दे रही और प्राचार्य जी और प्रबंधन बहुत मजबूर कर रहे हैं, इसको उत्पीड़न कर रहे हैं जबकि कोई सीमा नहीं है। हमारे बच्चों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। इन दिनों गाजियाबाद में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाइक सवारों ने ये वीडियो बनाया है। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक कार के बोनट पर शख्स बैठा हुआ है और बाइक वालों से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार चालक बेहद खतरनाक तरीके से कार को चला रहा है और पुलिस का दावा है कि कार्रवाई करके दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार को भी अब कब्जे में ले लिया गया है। तो कार के बोनट पर बैठकर स्टंट करते हुए युवकों का एक बार फिर वीडियो गाजियाबाद से सामने आया है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ। और इस मामले पर जैसे ही पुलिस को वीडियो मिली और जैसे ही पुलिस को इस मामले की जानकारी हुई, पुलिस ने इस वीडियो को देखते हुए दो लोगों को गिरफ्तार कर किया है, वही कार को भी अपने कब्जे में ले लिया है। दिनांक 21/4/2023 को एक महिला द्वारा थाना साहिबाबाद को सूचना दी गई कि उसकी गाड़ी में वैगनार के द्वारा टक्कर मार दी गई तथा विरोध करने पर वैगनार सवारों द्वारा और उसके ड्राइवर को बोनेट पर जबरदस्ती घुमाया गया। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल सक्रियता दिखाते हुए उक्त वैगनार के ड्राइवर तथा उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है, गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है तथा जो है इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।
लखनऊ में अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने यातायात पुलिस में वसूली की गंभीर शिकायतों के संबंध में डीजीपी को पत्र भेजा है, साथ ही जांच की मांग भी की है। उन्होंने ये शिकायत एक वसूली लिस्ट और व्हाट्सएप ग्रुप के आधार पर की है और सूचना के अनुसार तमाम प्रमुख चौराहों पर अवैध वाहनों से वसूली की जा रही है। ये वसूली लिस्ट उतरठिया लाइन क्षेत्र की बताई जा रही है, जिसमें तमाम लोगों के नाम और मोबाइल नंबर भी मौजूद है। तो ये लिस्ट है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने इस लिस्ट को जारी करते हुए अब इस लिस्ट को जांच करने की भी मांग की है। दरअसल चौराहों पर वाहनों से अवैध वसूली की जा रही थी और हर वसूली के लिए एक अमाउंट भी निर्धारित की गई थी, जिसको लेकर के अमिताभ ठाकुर ने ये लिस्ट जारी करते हुए इस लिस्ट पर कार्रवाई किए जाने की भी मांग की है, साथ ही जाँच करने की भी मांग उनके द्वारा उठाई गई है। हरदोई में कासिमपुर पुलिस ने 2 महीने पहले हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि होने पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी थी और जांच में सामने आया कि शादी के लिए इनकार करने पर गांव के ही युवक ने विधवा महिला की गला दबाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें पुलिस ने मर्डर तिराहे पर घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना कासिमपुर के जंगलों में एक 45 वर्षीय महिला की डेड बॉडी मिली थी, जिसको देख करके हत्या की आशंका हुई थी। परिजनों द्वारा अज्ञात के विरुद्ध मर्डर का मुकदमा कायम कराया गया था। ये बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था, जिसका कि कहीं कोई और शोर नहीं मिल रहा था, कोई मोबाइल फ़ोन का भी इसमें यूसेज नहीं हुआ था, कोई CCTV फुटेज भी उधर के आसपास नहीं थी और बहुत ही चैलेंजिंग था हरदोई पुलिस के लिए, जिसको कि लगभग 2 महीने के पश्चात थाना कासिमपुर की पुलिस ने CEO संलीला और अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के नेतृत्व में SOG स्क्वाड के साथ इसका खुलासा किया है। हरदोई के संडीला और कछौना पुलिस ने 2 शस्त्र फैक्ट्रियों का खुलासा किया है, जिसमें दोनों थाना क्षेत्रों से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के पास से पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब के साथ उपकरण बनाने का सामान भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि आगामी निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने 2 शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया है। शीघ्र होने वाले नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के नेतृत्व में CEO मघौली और CEO संडीला द्वारा टीमें बना करके अपराधियों की तलाश की जा रही थी, जिसमें ये थाना संडीला से और कछौना से ये 2 शस्त्र फैक्ट्रियाँ बनाने वाले शस्त्र फैक्ट्रियाँ बरामद की गई हैं और 5 अभियुक्त इसमें अरेस्ट किए गए हैं। ये अभियुक्त ऐसे हैं, इनके विरुद्ध पूर्व में भी लूट के, मर्डर के और इवन शस्त्र फैक्ट्री बनाने के मुकदमे पहले से भी हैं। कुल इनके पास से 9 तमंचे बने हुए और 9 ऑर्डिनरी तमंचे, कुछ जिंदा कारतूस, कुछ खोखे और भारी मात्रा में शस्त्र बनाने का सामान बरामद हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम TV।